हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया। और मैं हूँ टिया। तो आज है 7th of December। हाँ, सिर्फ दो दिन रह गया है मेरी शादी को और अभी बच गया है 4:30 शाम के। और आज थोड़ा क्लाउडी सा वेदर है तो इसीलिए जो सनसेट है वो बहुत जल्दी हो गया है आज। और पैंडल्स जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मैं आपको जाते वक्त दिखा दूँगी। और मैंने एक हुडी डाली है और एक जीन्स, क्योंकि मैं मुझे अभी जाना है सलून, क्योंकि हेयर कट अभी तक मैंने नहीं किया। प्री वेडिंग से पहले मुझे करनी थी बट कर नहीं पाई, क्योंकि तब मैंने वो जो रीज़न था वो मैंने दिया था। अभी मुझे आज मुझे हेयर कट करनी है और थ्रेडिंग भी करवानी है। सो ये दोनों ही आज करके फिर कल से ट्यूसडे और वेडनेसडे को सिर्फ मैं घर में रहूँगी और घर का जो बाकी सारा चीज़ है वो सब करेंगे। कल मैं वैक्सिंग जो है, वैक्सिंग फेशियल, वो मैं कल करूँगी, क्योंकि वेडनेसडे को मुझे मेहंदी लगवाने आ रही है। हम लोगों का वेडनेसडे है और वेडनेसडे से ही हम लोगों का जो फुल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो मुझे सिर्फ ट्यूसडे मिलेगा, तो घर में जो कल का जो प्रिपरेशन है वो घर में करूँगी और आज जो बाहर का सारा चीज़ है वो सिर्फ आज मुझे निपटानी है। तो यही है, मैं अकेली जा रही हूँ। चलिए चलते हैं, ऊपर बहुत सारा कपड़े हैं। और थोड़ा पैंडल इधर से दिखा देती हूँ, फिर नीचे में फिर से दिखाऊंगी। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है वो हो गया है, पूरा ढक गया है। और यहाँ पे भी छत में भी थोड़ा सा बैम्बू लगाया गया है ऑलरेडी। मैं अभी जस्ट, मेरा एक इनवाइट था वो खाके, मेरा आईब्रो भात जो है, सारा जो इनवाइट्स था इसमें लास्ट था। और सिर्फ वेंसडे को मम्मी मुझे देगी, जो शादी से एकदम पहले दिन वो मम्मी देगी लास्ट, वो लास्ट होगा। और ये जो इनवाइट्स है, आज फाइनली इनवाइट्स ख़त्म हो गया है और मैं फुल पेट हूँ। अभी मुझे जाना है, एक वीडियो पब्लिश करके मैं गई थी मार्केट से फिर से आना है, आके अभी जाना है सलून। तो बहुत भागा दौड़ी है, तो अभी जाते हैं और थोड़ा सा पैंडल दिखा के मैं रवाना होती हूँ सलून के लिए। तो लाइटिंग जो है ख़राब है अभी, क्योंकि बाहर लाइटिंग नहीं है। तो बाहर का कुछ ऐसा पोर्शन, मतलब हम लोगों के आंगन में कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है, अभी भी फुल होना बाकी है बट जितना हो रहा है मैं उतना ही दिखा रही हूँ। तो इस साइड जो खाना है, इस साइड खाना खाया जाएगा और इस साइड होगा शादी का मंडप। और यहाँ पे और एक स्टेज होगा मेरे बैठने के लिए। तो अभी हो रहा है, तो अभी चलते सैलून। मैं सैलून में जाके मिलती हूँ, वहाँ पे भी मुझे अकेली ही कैमरा करना पड़ेगा, तो इसीलिए देखते हैं कितना कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। चलिए पहले चलते हैं। तो अभी हूँ लैक्मे सैलून में, यहाँ से सब लोग हम लोगों का सब लोग जाना पहचाना है। शादी के दूसरे वाले दिन जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है वो यहाँ का मैनेजर है, और हल्दी के टाइम पे भी यही मुझे करेंगे मेकअप। तो यहीं पे मैं हेयर कट करूँगी, थ्रेडिंग वगैरह करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैं वहाँ पे क्लाइंट्स जो है बहुत ज़्यादा है, भीड़ है आज थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे ब्राइडल सेक्शन में आ गई हूँ। और आज जो है मेरा हेयर एक्सपर्ट जो है वो अलग है, उस दिन जो था वो अलग था और आज है। ये डेड एंड्स तो मुझे काटना है क्योंकि ये बहुत ख़राब हो गया है मेरा, एंड देखते हैं क्या करते हैं। और इसका भी टेक केयर मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे मेरी हेयर एक्सपर्ट
एक्सपर्ट जो है वो मेरे हेयर को अच्छे से कॉम कर रहा था, और उससे पहले दिन ही मैंने अपने हेयर को जो है वो वॉश किया था, इसलिए वो अच्छे से कॉम करके देख रहा था कि मेरे ऊपर कौन सा हेयर कट जो है वो सूट करेगा। उसके बाद ये उन्होंने ब्लो ड्राइंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पीछे से यू करना था और सामने से लेयर, तो यू कट जो है वो ब्लो ड्राई से ही अच्छा आ जाता, तो वो ब्लो ड्राई सिर्फ पीछे का पोर्शन जो है ब्लो ड्राई किया और उसके बाद उसका यू शेप किया मशीन से। उसके बाद मुझे हेयर वॉश पे ले गया और उसके बाद फिर से हेयर कट किया, फिर से ब्लो ड्राई किया। तो आप पूरा जो प्रोसेस है आप धीरे धीरे इस वीडियो में देख पाओगे। और ये जो हेयर एक्सपर्ट है मेरा, ये बहुत पेशेंसली काम करते हैं और इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बहुत टाइम लेके मेरा हेयर जो है कट किया है और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर कट से, और पूरा जो सर्विस है मुझे मिला है उन सब से। तो गाइस मेरा हेयर वॉश जो है वो हो गया है और पीछे का मैंने मतलब यू थोड़ा सा यू शेप दिया है और सामने का लेयर होगा। और यहाँ पे कर रहा है वो हेयर सेक्शन, हेयर सेक्शन करने के बाद प्रॉपर जो कट है वो करेंगे। तो फाइनली जो है मेरा हेयर कट हो गया है, इसका डिटेल्स मैं घर में जाके दूंगी। तो लेयर किया सामने से और पीछे से यू, क्योंकि एक साल तक तो मैं हेयर को कट नहीं कर सकती हूँ, तो अगर मैं स्टेप वगैरह करूँगी तो पीछे से जो छोटा छोटा हेयर जो है वो रह जाएगा, और बाद में एक साल तक नहीं अगर ट्रिम करूँगी तो फिर नीचे वाला गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे का पोर्शन को कुछ हाथ नहीं लगाया, सिंपल सा यू रखा, और अभी मैं साइड पार्टीशन करके रखी हूँ और बाद में तो मिडिल पार्टीशन होगा ही। तो अभी जो है बाल बहुत सिल्की एंड स्मूथ हो गया है और अभी थ्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे और एक आया है पर्सन, बॉबी। सो बॉबी ऑलरेडी आ गया है, बॉबी ऑलरेडी आ गया है, हम लोग एक साथ ही रवाना होंगे घर के लिए, तो घर में जाके फिर आप। सो ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने हेयर कट ये वाला किया है, सेट करके दिया था, बट अभी आते आते हवा लग गया तो थोड़ा खराब शायद हो गया है। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा स्टेप या फिर कुछ नहीं करना था बालों में, क्योंकि एक साल तक मैं नहीं हेयर कट कर पाऊंगी तो फिर नीचे से जो है एंड जो है वो रफ हो जाएगा और नीचे से एकदम झाड़ू झाड़ू हो जाएगा एक साल तक। इसीलिए मैंने नीचे का पोर्शन में कुछ नहीं किया, सिर्फ सामने में लेयर किया और पीछे से यू आएगा शेप। तो कुछ ऐसा ही है, अभी बालों को छूने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है। तो यही है, तो इस वीडियो को मैं और कंटिन्यू नहीं करूंगी और सब कुछ मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और अगर पसंद आया है मेरा हेयर कट तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा लगा मेरा हेयर कट मेरे ऊपर। और मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय ना।